हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोहन। ये एक ईरानियन टॉफ़ी या कैंडी है। सोहन को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे अंकुरित गेहूं का आटा, हनी, बादाम और तिल। तो आज हम बनाएंगे तिल से सोहन। इसे बनाने के लिए दो स्टेजेस होती हैं, तो आप वीडियो पूरा देखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप तिल। यहाँ मैंने पॉलिश्ड तिल नहीं लिए हैं। पॉलिश्ड तिल सफ़ेद होते हैं क्योंकि उसका छिलका उतार दिया जाता है, तो मैंने बिना छिलका उतारे हुए तिल लिए हैं। तिल को एकदम धीमी आंच पर सेकें। तिल को हमें हल्का लाल होने तक भुनना है। इसके लिए हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। जब चटकने की आवाज़ आए तो समझ लीजिए कि हमारे तिल भुन चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसे हल्का ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमें इन्हें पूरा ठंडा नहीं करना, ये हल्के गर्म होने चाहिए। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करेंगे। आधा मिनट इसे ग्राइंड करें और फिर चम्मच से ऊपर नीचे करें। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारा जार पूरा भर गया है, बट कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये मिक्सचर आधा हो चुका है। चम्मच से स्क्रेप करने के बाद हम फिर से 1 मिनट मिक्सर चलाएंगे। ये मिक्सचर अब क्रम्बली हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें 3 टीस्पून अनफ्लेवर्ड ऑयल डालेंगे। यहाँ आप कोई खुशबू वाला तेल ना डालें। 1 पिंच नमक डालें। अब मिक्सर को 2 से 3 मिनट तक हाई स्पीड पर चलाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा तिल का मिक्सचर एक पेस्ट की तरह फॉर्म होने लगेगा। तिल का पेस्ट बन चुका है, पर अभी भी ये दरदरा है, तो हमें इसे हाई स्पीड पर जब तक यह एकदम महीन ना पिस जाए तब तक इसे पीसना है। लीजिए तैयार है तिल का पेस्ट। इसे हम मेजरिंग कप में निकालेंगे। मेजरिंग कप से ये 1/2 कप + 2 टीस्पून है। अब एक बाउल में 2 से 3 टीस्पून पानी डालें। 1/2 चम्मच केसर का कलर डालें। ओरिजिनल रेसिपी में इसमें केसर डलता है, मेरे पास केसर नहीं था तो मैंने कलर डाला है। अब एक कढ़ाई में 20 बादाम लें और इनको हल्की आँच पर भुनें। अगर आप इसके साथ और भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। बादाम ठंडे होने के बाद मैंने उन्हें इस तरह चॉप करके रख लिया है। यहाँ हम बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल यूज़ नहीं कर रहे, तो एक प्लेट को इस तरह उल्टा पलट कर ब्रश से पूरी थाली पर घी लगा देंगे। इससे ये होगा कि जब हम सोहन का मिक्सचर इसके ऊपर डालेंगे तो वो प्लेट से चिपकेगा नहीं। अब इसमें जो लंबे बादाम काट के रखे हैं वो सजाने के लिए हम इस तरह लगा देंगे। बेलन पे भी हम घी इस तरह ब्रश से लगाकर साइड में रख देंगे। ये सब तैयारी आप एडवांस में ही करके रखें। अब कढ़ाई में 1 कप शक्कर डालें। यहाँ मैंने शक्कर ऊपर तक भरी है क्योंकि मेरा तिल का मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा है। कड़छी से शक्कर को चारों तरफ फैला दें और गैस की आँच एकदम धीमी कर दें। 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारी शक्कर पिघलने लगी है। अब कड़छी से हम इसे इस तरह हिलाएंगे। शक्कर के हल्के क्रिस्टल्स बनने लगे हैं क्योंकि हमारी शक्कर थोड़ी सी पिघलने लगी है। करीब 5 मिनट के बाद हमारी शक्कर कलर चेंज करने लगेगी। शक्कर के क्रिस्टल्स धीरे धीरे मेल्ट होने लगेंगे। शक्कर को कैरमलाइज होने में कम से कम 14 से 15 मिनट लगता है। जब तक ये कैरमलाइज ना हो जाए हमें लगातार इसे चलाना है। जब शक्कर लाइट गोल्डन कलर में हो जाए तब हम इसमें केसर कलर डालेंगे। केसरिया कलर डालने के बाद इसको 1/2 मिनट तक चलाएं। ज़्यादा देर ना चलाएं, नहीं तो ये क्रिस्टल बन जाएंगे। अब इसमें हम तिल का जो पेस्ट पीस कर रखा हुआ है वो पूरा डालेंगे। आप इस पेस्ट को पीस कर स्टोर भी कर सकते हैं, ये महीनों तक ख़राब नहीं होगी। अब इसमें कटे हुए बादाम डालेंगे और इस मिक्सचर को जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। पेस्ट डालने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह लगातार चलाना है। अगर आप इसे इस तरह लगातार नहीं चलाएंगे तो यह नीचे से जल जाएगा। अब इस पेस्ट को हम ग्रीस की हुई थाली पर डालेंगे। क्योंकि ये मिक्सचर बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, इसलिए आपको ये प्रोसेस बहुत जल्दी करनी है। अब इसके ऊपर सजावट के लिए हम कटे हुए बादाम डालेंगे।
और ग्रीस किए हुए बेलन की सहायता से इसे पूरी थाली पर फैलाएंगे। आप चाहें तो एक कटोरी में घी लगाकर उसे भी फैला सकते हैं। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ये मिक्सचर बहुत गर्म है। मुझे आदत है इसलिए मैं अपना हाथ भी यूज़ कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसे ट्राई ना करें। जब ये मिक्सचर गर्म हो तभी चाकू की सहायता से इसे शेप दें, नहीं तो ये बाद में कड़क हो जाता है और आपको काटने में मुश्किल होगी। इस स्टेज पर आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कटर हो तो आप इसे गोल भी काट सकते हैं, या और कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इस तरह चाकू से काटने के बाद इसे आप एक घंटा कम से कम इसी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दें। एक घंटे के बाद जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तब हम इसे चाकू की सहायता से प्लेट से निकालेंगे। अगर आपको इस तरह कोई शेप नहीं देना है तो आप चॉकलेट मोल्ड में भी इसे जमा सकते हैं। हमने इसे गर्म में ही शेप इसलिए दिया था क्योंकि जब ये ठंडा हो तो सभी साइज इक्वली निकले। देखा आपने घर पे सोहन बनाना कितना आसान है। ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची टॉफ़ी है, इसे आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये कैंडी एक दो महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बनाइए और एंजॉय कीजिए। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।